हर दिन कोई एआई टूल लॉन्च हो जाता है, और आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा एआई टूल लेकर आया हूँ जो कि टेक्स्ट टू वीडियो भी बना सकता है और इमेज से भी वीडियो बना सकता है। टूल बिल्कुल फ्री है। जब भी कोई न्यू टूल लॉन्च होता है, कुछ उनमें पेड होते हैं और कुछ फ्री वाले होते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक फ्री टूल लेकर आया हूँ जो कि आपको टेक्स्ट से वीडियो भी बनाकर दे देगा और आपको इमेज से वीडियो भी मोशन में कन्वर्ट करके वो दे सकता है। टोटली फ्री है वो टूल और आप उससे अपनी वीडियोस बना सकते हैं टेक्स्ट से भी, और अपनी अपनी किसी इमेज को भी आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बनाकर दे देगा। अगर आप अपना कोई कंटेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप इससे इजीली अपना कंटेंट बना सकते हैं। अपना कंटेंट एआई से आप ले सकते हैं, चैट जीपीटी से ले सकते हैं, और अपनी फिल्की डॉट एआई से अपनी वॉइस ओवर भी बना सकते हैं, और इस टूल की हेल्प से आप वीडियोस भी बना सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि वो एआई टूल कौन सा है और किस तरह से उसके ऊपर काम करना है। यहाँ मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चैट जीपीटी के ऊपर चले जाना है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने इसे कहा प्लीज गिव मी शॉर्ट एआई स्क्रिप्ट टू लाइंस अबाउट अ बॉय वॉकिंग इन फॉरेस्ट। तो इसने मुझे ये दो लाइंस इसने मुझे लिखकर दे दी, एज द बॉय वंडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट। अब इसको हमने करना लेना कॉपी। तो अब हमने एक टूल में आना है, उसका नाम क्या है, runway.com। runway.com आपने लिखकर सर्च कर देना और आपको ये पहली वेबसाइट मिल जाएगी, runwayml.com। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और सबसे पहले ये आपसे अपना अकाउंट लेगा। आपने यहाँ पर लॉगिन एंड साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट सबसे पहले बना लेना है। मैंने अकाउंट बना लिया, तो सिंपल मैं इसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसके डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं किस तरह का आपको एक इंटरफेस नजर आएगा, जैसा कि आप रनवे वॉच, वीडियो एडिटर प्रोजेक्ट्स, वीडियो जनरेट, वीडियो एडिट वीडियो, ये आपको काफी ज्यादा अच्छे टूल्स में आपको काफी कुछ आपको मिल जाता है। अब हमने सबसे पहले करना क्या है कि टेक्स्ट टू वीडियो बनाना है, तो सबसे पहले हम वो काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पॉपुलर एआई टूल के, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे वीडियो टू वीडियो, टेक्स्ट इमेज टू वीडियो, रिमूव बैकग्राउंड, टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज टू इमेज, टेक्स्ट टू स्पीच। हमने ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये इमेज के ऊपर सिलेक्ट है, तो हमने टेक्स्ट के ऊपर करना है, इसे टेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है और जो भी हमने कॉपी किया होगा हमने वहाँ यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है, और यहाँ पर जनरेट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अभी ये कुछ ही सेकंड में हमारी जो हमने इसे अपने टेक्स्ट दिया है इसे एनालाइज करेगा और ये वीडियो जनरेट करना शुरू कर देगा। इसे अभी इसने स्टार्ट कर दिया है और ये कुछ ही देर में हमारी वीडियो रेडी हो जाएगी। अब आप इसे रेशो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये रेशो है 16:9। अब ये लॉन्ग वीडियोस के लिए है, आप शॉर्ट के लिए भी बना सकते हैं, 9:16 भी आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी इमेज को किस तरह से बनाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम ये टेक्स्ट देख लेते हैं, बाद में हम इमेज का भी देख लेते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो में वॉइस ओवर लगानी, जैसा कि ये लिखा हुआ है एज द बॉय वंडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट, इसी वीडियो में आपने ये वॉइस ही अपने लगानी है, तो आपने जाना है फिल्की डॉट एआई के ऊपर। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ फिल्की डॉट एआई, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्की डॉट एआई, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब यहाँ से हमने अपनी वॉइस ओवर को जनरेट करना है, आपने स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना अकाउंट भी आप बना सकते हैं, और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर अपने वीडियो बनाना चाह रहे हैं या ऑडियो, आपने ऑडियो को सिलेक्ट कर हम लिख लेते हैं टेक्स्ट, और इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर हमने अपने जो टेक्स्ट है उसे यहाँ पर एंटर करना है, जैसे यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर हमने किसकी वॉइस लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड वॉइस आपको मिल जाएगा, जो कि आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पर हम इसे सुन लेते हैं, Flicky helps you create audio and video content. अब ये बच्चों जैसी है, काफी अच्छी है। अगर आप बच्चों के लिए कंटेंट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आपको मिल सकता है। अगर आप कुछ और जैसे यहाँ पर इसकी वॉइस Flicky helps you create ये Flicky helps you create अभी हम चलो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं रिंग को, तो अब हम इसकी वॉइस सुनते हैं ये किस तरह बोल रहा है। जैसे यहाँ पर As the boy wandered through the forest, अब ये आपने इस वॉइस को डाउनलोड कर लेना है और अपने किसी भी एडिटर में अपने वीडियो और दोनों को पेस्ट करके आपने इसमें कन्वर्ट कर लेना है अपनी वीडियो को। अब हम चलते हैं अपनी बैक। अब यहाँ पर ये हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, अब हम इसे वॉच करते हैं, लग तो बहुत अच्छी रही है, चलो हम इसे प्ले करते हैं।
अब ये काफी अच्छी तरीके से हमने इसे एक वीडियो बनाकर दे दी है, अब ये कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये नहीं बनाई है। तो अब हम बनाते हैं अपनी इमेज टू वीडियो में, आपने बैक जाना है और सेकंड ऑप्शन पर ही हमने रहना है। अब यहाँ पर इमेज है, हमने अपनी इमेज अपलोड करनी है। अब मैं अपनी इमेज अपलोड कर लेता हूँ। अभी मैंने एक इमेज अपलोड यहाँ पर कर दी है और आप इसकी कैमरा मोशन आप सेलेक्ट कर लेना है, इसे एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ जब ये ऐड हो जाती है। अब हमने इसकी कैमरा मोशन ऐड कर लेना है, कैमरा मोशन। अब आपने इसकी अब क्या करना चाह रहे हैं उसे सेलेक्ट कर लें, जैसे ये इसे सेव के ऊपर क्लिक करना है और जनरेट फॉर, ये जनरेट के ऊपर हमने क्लिक करना है। अभी ये हमारे पिक्चर को देखेगा और अब इसमें अपने मोशन से ऐड कर देगा। अब हमारी इमेज टू वीडियो भी बन चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह इसने बनाई है। आप इस एक टूल को यूज करके अपनी एनिमेटेड स्टोरीज बना सकते हैं। अब मैं सुन आपको एक ऐसे टूल से भी लेकर आऊंगा जो कि आपको एक पूरी AI स्टोरी बनाकर दे देंगे, एनिमेटेड स्टोरी। आप उसे YouTube के ऊपर अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारी जो इमेज है वो वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी इसे देख लेते हैं। अभी हम इसे चेक करते हैं कि इसने किस तरह से काम किया है, चेक कर लेते हैं। अभी देखिए ये एक वीडियो काफी अच्छी बन चुकी है, जिस तरह हमने उसे मोशन दिया था कैमरा मोशन, अब उसी तरह उसने काम किया है। और आप इसे डाउनलोड करके अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हूँ कि आपने टेक्स्ट टू इमेज वीडियो किस तरह से कन्वर्ट करना है, आपकी जो इमेज है आपने उसे वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।